Hello everyone, this is Pallavi. You are watching me on Being Pallavi. Welcome back to my YouTube channel. So guys, आज है डे 4 ऑफ माय 30 डेज वीडियो अपलोडिंग चैलेंज. मैं अभी अभी उठी, उठने के साथ साथ ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया. आज भी ब्लॉग ही होगा. एंड जैसे कि आपने कल देखा, मैं चेकअप के लिए गई थी और आई हैव नीड टू मीट साइकाइट्रिस्ट फॉर माय हेल्थ. तो आप समझ ही सकते हो किस दौर से मैं गुजर रही हूँ अभी. तो बहुत ही मतलब मौसम आज कैसा हो रखा है मालूम है, पूरा सुबह से ही हवा दे रहा है. तो अभी सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ, अभी तक फ्रेश नहीं हुई हूँ, अभी जाऊँगी फ्रेश होने के लिए. बट वही है कि सुबह सुबह उठ के आज मैंने योगा किया, 15-20 मिनट्स मैंने योगा किया. एंड कल से ही मेरा मेडिसिन स्टार्ट हो गया है, तो अच्छा भी लग रहा है. एंड मतलब अच्छा लगाने की कोशिश भी कर रही हूँ कि कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है उस वजह से. और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे साथ अभी योगा करते टाइम में क्या हुआ. हु सेज कि ब्रेकअप हर्ट्स द मोस्ट. ये देखो, अगर आपके पास इतने सुंदर नेल्स है एंड ये हो जाता है योगा करते टाइम में, मेरे साथ ये हो गया. एंड इतना अभी जो नेल्स लंबे थे तब तो लड़की लड़की लग रहा है ना, अभी इसको काट दूंगी देखो पूरा लड़का लड़का, मतलब बच्चा बच्चा लगेगा. लड़का मीन्स बच्चा बच्चा हाथ हो जाएगा मेरा. मेरा हाथ ऐसे, ये देखो आप हाथ जो ऐसे है अभी, ये उंगलियों को देखो और ये उंगली को देखो. तो एक लाइक कर दो. दिस इज़ हर्ट द मोस्ट नॉट ब्रेकअप. अभी सब अभी मेरा मैं ऐसे नहीं हूँ. बहुत लोग तो ऐसे रख भी देंगे लेकिन मुझे मुझसे अनकम्फर्टेबल होता है. तो ये अभी टूट गया तो अभी सबको काटना ही पड़ेगा यार. चलो फिर से बच्चा हाथ बना देते हैं, इसको काट देते हैं. तो कल आए थे बीजेपी वाले, जो कि हमें झंडा आप देख सकते हो, हर घर में आपको झंडा दिखाई देगा. वो रहा झंडा ही झंडा होगा. अब आज का वेदर, आज धूप नहीं दिया है तो मैं अभी फ्रेश हो जाती हूँ. फ्रेश वगैरह हो जाने के बाद आपको मिलती हूँ. सो आज का ब्लॉग थोड़ा बोरिंग सा होगा आप लोगों के लिए एंड मेरे लिए भी, क्योंकि मैं जितना हो सके रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो जैसे कि मैंने बोला था मैं कट करूँगी लेकिन मैं कट कर नहीं पाई. मतलब बहुत ही दुख लग रहा था कट करने के लिए, तो मैंने कट नहीं किया. तो रहने देते, जितना दिन रहेगा रहेगा, अगर बाद में मन किया तो कट कर दूँगी, नहीं तो यार देखो. तो मम्मी आ गई है चावल लेके आ गई है मम्मी. इधर घुसने ही नहीं मांगते टमटम वाले. चलो अंदर रख देते हैं, इतना हवा दे रहा है ना, पूरा घर का दरवाजा सब कुछ हो रहा है. सो गाइज, मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है. ब्रेकफास्ट में मैंने बचा हुआ रात का जो चावल था उसको ही मैंने खाया था एंड सब्जी थोड़ा बहुत था तो वही खाया. उसके बाद मैंने दवाई खाया, तो दवाई खाने के बाद मेरा थोड़ा वीकनेस जैसा लग रहा है. तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ. रेस्ट करने से पहले आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ इस बारे में कि मुझे आप हमेशा ओवर साइज टी शर्ट एंड मेसी हेयर, ऐसे वेली जैसे घर भी पड़ी रहती हूँ वैसे आपको दिखाई देती हूँ. एंड
क्यों मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली जैसे हो, जो लोग मुझे देख रहे हो, मेरे डेली ब्लॉग्स देख रहे हो, मेरे डेली लाइफस्टाइल देख रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तो कैसे रहती हूँ वैसे ही देखो ना। क्यों मैं अपने आपको चेंज करके रेडी वगैरह होके वीडियो बनाऊँ, और मुझे वैसा शौक भी नहीं है, तो मैं जैसी रहती हूँ वैसे ही दिखा रही हूँ। सो उसके लिए जिसको बुरा लग रहा है जिसको बुरा लग रहा है उसके लिए सॉरी, और जिसको अच्छा लग रहा है कि मेरा रियल यार ये किसका बच्चा है यार, तो जिसका बकरी का बच्चा है, तो जिसको मैं जिसको रियल पल्लवी देख के अच्छा लग रहा है वो मुझे ऐसे अगर देख के पसंद कर रहे हो तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। और जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को जानना है, पूछ भी रहे थे कि क्यों मैं मास्क लगा के वीडियोस करती हूँ या फिर हाई नेक टी शर्ट्स हाई नेक कपड़े हमेशा पहनती हूँ, तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं थोड़ा दिखा देना चाहती हूँ कि आई एम ए बर्न सर्वाइवर। तो मैं जल गई थी, जिसके वजह से मेरा जो लोअर लिप्स है, जो लोअर लिप्स है ना वो भी जल गया था, तो उस वजह से भी मतलब, और यहाँ पे चिन में, नेक में एंड चेस्ट में और बहुत जगह में मतलब बर्न हो गया था मेरा बॉडी, तो उस वजह से मैं ऐसे वीडियोस बना रही हूँ। और खुद पे तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन दूसरों को अनकंफर्टेबल फील ना कराओ इसलिए ऐसे आती हूँ, या फिर घर से भी मैं विदाउट मास्क निकलती नहीं हूँ, या फिर इतने तक हाई नेक कपड़ा पहनती हूँ, तो क्योंकि मुझे दूसरों को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना, खुद को भी होता है, दूसरों को भी होता है, तो इसलिए। एंड अगर आपको जानना है मेरा फुल स्टोरी ऑफ दिस बर्न इंसिडेंट, तो प्लीज़ कमेंट, और मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और मुझे शेयर करना भी है, मुझे आप लोगों से ये बात मुझे शेयर करना भी है कि How I overcome with this and how I am now right now. So जल्दी वीडियो आएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है मालूम है, हर चीज़ में मैं जल्दी आएगा बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सब्र करो, मैं थोड़ा ठीक हो लूँ उसके बाद ज़रूर आएगा। हर एक चीज़ का सवाल आंसर के रूप में वीडियो मैं डालूंगी। एंड अभी क्योंकि मैंने दवाई खाया है, थोड़ा वीकनेस लग रहा है, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। एंड मम्मी जैसे कि आई है, आने के बाद चावल रख के फिर से बाहर गई है थोड़ा काम से, तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अभी मम्मी यहाँ में प्रैक्टिस करते हुए, मुझे भी चलाना आता है लेकिन मैंने कब से छोड़ा पता है, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ पे अभी भी दाग है यहाँ पे, जब से ये पैर मेरा फ्रैक्चर हो गया था तब से मैंने छोड़ दिया है। अभी बहुत डर लगता है स्कूटी बाइक बैठने पीछे बैठने से भी मैं डरती हूँ। सो गाइस, आज मैं बना रही हूँ लंच में ये बैंगन का फ्राई विथ बैटर ऑफ बेसन, और ये वाला जो फ्राई करूँगी ऐसे ही फ्राई करूँगी, और ये वाला जो पकौड़ा बनाऊँगी। और यहाँ में बन रहा है एक स्पेशल बोलने से नहीं होगा, यह मैं आलू काट के दिया है एंड प्याज मिर्ची हर कुछ है, और ये है धनिया जो कि काला हो गया है, थोड़ा रफ हो गया था, और यह मैं डाल दिया है मसूर का दाल। इसको और थोड़ा पानी देके हम तरी बनाएंगे, इतनी टेस्टी लगता है इसको, आप ट्राई करना, मैं किसी दिन रेसिपी बताऊंगी, ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगता है, और रोटी के साथ तो और भी टेस्टी लगता है, लेकिन आज हम लोग चावल में लंच में खा रहे हैं तो चावल के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। यम। और इधर मेरा बन रहा है पकौड़ा, तो मैं बना लेती हूँ उसके बाद आपको मिलती हूँ।
देन मैंने बैंगन भी फ्राई कर लिया था और लंच ऑलमोस्ट रेडी था। तो आज का वीडियो इतना ही रखती है, मैं आउटरो वॉइस ओवर में कर रही हूँ सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने उसके बाद ब्लॉग किया ही नहीं था। सो आज का वीडियो इतना ही रखती है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज़। प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।